लाल स्टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम अडोर फोनटेक लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप भी लाल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सके और अच्छा खासा पैसा गेन कर सके। हम जो भी स्टॉक एडवाइस करते हैं वो लाल स्टॉक ही होता है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन 1 मंथ 2 मंथ के बाद अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो एहतियातन वो चेक ज़रूर कर ले स्टॉक को कि वो हराम है कि हलाल है, क्योंकि फंडामेंटल चेंज होने की वजूहत के बिना पर स्टॉक हराम भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। 1-2 साल के बाद चांसेस बढ़ते हैं हराम होने के, अगर फंडामेंटल चेंज पूरी तरह से होते हैं तो, वरना तो वो हलाल ही रहता है। तो अडोर फोनटेक लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको हमारी कुछ सर्विसेज बता देता हूँ। इसमें पहली सर्विस अभी 1,000 रुपीज़ की है और 2,000 रुपीज़ की। 1,000 रुपीज़ में स्पेशली पेनी स्टॉक एडवाइस किए जाते हैं, जो कम प्राइस वाले स्टॉक होते हैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा रहता है, 3-4 डेज़ प्रॉफिट इस तरह से आपको प्रॉफिट हो 3-4 डेज़ में इस तरह से आपको कॉल दिया जाता है। वही सेकंड में जो है मेंबरशिप वो 2,000 रुपीज़ की है, जिसमें आपको 5 चीज़ें अप्रूव की जाती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट लर्निंग एंड पेनी स्टॉक एंड 3-4 डेज़ प्रॉफिट स्टॉक। इसमें आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, नॉलेज भी मिल सकती है, तो आप ये भी सर्विस लेना चाहें तो ले सकते हैं। अडोर फोनटेक लिमिटेड का जो प्राइस है अभी 120 है, वही 2.19% डाउन जा गया है टुडे आज की डेट में। वही मार्केट कैप की बात करें तो 422 करोड़ मार्केट कैप है। वही हाईएस्ट प्राइस की बात करें तो 126 हाईएस्ट प्राइस है इस ईयर की, वही लोएस्ट प्राइस इस ईयर की 70.1 है। स्टॉक पी रेशो 18.3 है, वही अपनी हाईएस्ट प्राइस पर ही अभी ये स्टॉक रन कर रहा है, हाईएस्ट प्राइस के करीब करीब। वही प्राइस बुक वैल्यू 42.6 रुपीज़ है, डिविडेंड 4.09% का ये दे रहा है। ROCE की बात करें 22.6% है, वही ROE 16.0% है, जो कि बेस्ट है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। EPS लास्ट ईयर का जो दिया है 6.58 रुपीज़ का। वही प्रमोटर होल्डिंग है 39.2 रुपीज़, जो कि बहुत ही बेस्ट है पेनी स्टॉक के अंदर, ये फिलहाल पेनी स्टॉक है तो पेनी स्टॉक के अंदर जितना प्रमोटर होल्डिंग कम हो उतना ही बेस्ट रहता है, तो ये स्टॉक भी आप बाय कर सकते हैं। देखते हैं इसका प्रॉफिट लॉस कितना है। सेल्स ग्रोथ हुई है इसकी लास्ट 3 ईयर में 6% की बड़ी है, एंड लास्ट 3 ईयर में 27% की बढ़ी है, जो कि हाई है। एंड स्टॉक प्राइस का अगर, जो स्टॉक की प्राइस भी बढ़ी है 61%। प्रॉफिट ग्रोथ मैंने आपको बताया नहीं, 27% बढ़ा है। एंड रिटर्न टू इक्विटी दिया है इसने लास्ट 3 ईयर में 16% का, जो कि बहुत ही अच्छा है। लास्ट ईयर में भी 16% का ही दिया है, तो इस स्टॉक में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें एंट्री नहीं लेनी है। जब ये स्टॉक 100 के नीचे आता है, 100 रुपीज़ के नीचे, तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये स्टॉक बेस्ट है लॉन्ग टर्म के लिए।